इस समय एक मसला बहुत ट्रेंडिंग में है, आरिफ और सारस की दोस्ती का। अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि आरिफ ने जो है कि यहाँ अखिलेश यादव भी गए, इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण भी हो रहा है। सारस जो है अभी इस समय चिड़ियाघर में है, वन विभाग ने FIR दर्ज किया है, उसको नोटिस जारी किया गया है। आरिफ और सारस की दोस्ती, क्या वन विभाग का क्या यह काम उचित है? हमारे साथ कुछ यहाँ पर अधिवक्ता हैं, प्रबुद्ध वर्ग भी हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या सोचते हैं इसके संदर्भ में। सर बताइए। देखिए, मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी हूँ और यहीं जिला कचहरी फैज़ाबाद में वकालत करता हूँ और आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल काम करता हूँ। जी जी जी। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, इसके मूल के पीछे जो विचारधारा है उस पर जाइए। जो पार्टी के लोग यहाँ से लेकर केंद्र तक सत्ता में हैं, उनका काम ही है दोस्ती तुड़वाना। अब दोस्ती वो चाहे पक्षी की और आदमी की हो, और वो उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि सारस आरिफ के साथ कैसे रह सकता है। सारस तो रामप्रसाद के साथ रहना चाहिए, और इसीलिए वो सारस को ले गए हैं। सारस आरिफ को चाहिए कि वो बाकायदा सारस को लेकर एक हलफनामा दाखिल करे कि अगर सारस किसी भी वजह से मरा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन सरकार और वन विभाग की होगी। रही बात वो क्यों ले गए हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा प्रधानमंत्री मोर को दाना चुगा रहे थे। आप ये सोचिए कि जो कानून किसी एक नागरिक पे लागू होगा वही तो सब पे लागू होना चाहिए। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसको बंधक बना के उन्होंने रखा, उस पर तो कोई नहीं आवाज आई। और इस विकलांग पक्षी की, जिसकी टांग टूट गई थी, पूरी तरह से उसने इलाज कराया, और आज जब पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा था, मानवता की चर्चा हो रही थी कि आरिफ ने ये मानवता दिखाई, जिस आरिफ को इस बात के लिए कंडम किया जाता है कि नहीं ये लोग मानवता विहीन होते हैं, और उस आरिफ के ऊपर उसकी एक तरफ आरिफ है और उसकी सदा सहायता है, और एक तरफ ये सरकार है, इसका कुकृत्य है। ये पूरे देश की हाल है भैया, ये केवल पक्षी और आदमी के बीच नहीं, तो आदमी के बीच लड़ा रहे हैं। तो इसलिए अब इसमें क्या कहा जाए, यहाँ तो सारा माहौल ही वैसा बना दिया गया है कि कोई किसी के साथ ना रहने पावे, यही इनका मूल मंत्र है। ये बताइए कि अखिलेश यादव जी, आपसे बात करना चाहेंगे, अखिलेश यादव जी अभी देखिए राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका, अखिलेश यादव जी और भी मुद्दे थे, क्यों सारस का ही मुद्दा चुना उन्होंने? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, हो सकता हो कोई विशेष वर्ग से उनको ज़्यादा लगाव, इस वजह से वहाँ पर गए वो, या हो सकता हो उनका 25 से मिलने का मन रहा हो, दुनिया सब लोग जा रहे थे, वो पॉपुलर तो है, छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। एक साल से आरिफ ने उसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद जब सब पॉपुलर हो गए तो वन विभाग की टीम कहाँ थी? अमेठी में वन विभाग की टीम कहाँ थी? कम से कम जाती, उससे सम्मानपूर्वक उसको सम्मान देती कि आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद फिर सारस को ले जाती। अब चूंकि मामला ये है कि जब अखिलेश यादव जी वहाँ चले गए, उसके बाद से ही जो है तमाम अड़चनें या फिर जो भी है उसके ऊपर आज FIR भी हो गई वन विभाग के द्वारा, तो अगर जगह ट्रीटमेंट नहीं पाता वो सारस, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती, तो क्या वन विभाग कुछ करता उसके लिए? आज वो जिंदा हो गया तो उसकी गुडविल लेने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, और कल को अगर, मैं तो बड़े भाई साहब की बात से सहमत हूँ, कल को अगर कुछ हो जाता है तो क्या जो इस समय प्रेजेंट में सरकार है क्या उसकी लाइबिलिटी उठाएगी? कुछ भी होता है तो क्या वन विभाग वाले उठाएंगे? बस मेरा यही मानना है कि अगर वो ले गए हैं तो बिल्कुल उसकी जो है देख रेख खान पीन की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएं। क्या इनका कहना सही है? नहीं, मैं मीडी भाई की बात से सहमत नहीं हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिसको लोग मानवता विहीन कहते हैं, तो कोई किसी को मानवता विहीन नहीं कहता। आरिफ नाम होने से कोई मानवता विहीन थोड़ी हो जाता है। आरिफ ने किया, ये अच्छी बात है, इसका प्रोत्साहन देना चाहिए सबको कि चलिए पशु पक्षी प्रेमी होना, जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो ये उचित नहीं है, इसलिए वन विभाग की टीम उसको ले गई है जहाँ उसका स्थान है वन में, या ऐसे किसी ताल में या किसी ऐसी जगह पर उसको छोड़ा जाए जहाँ के जो उसके लिए जो माहौल फ्रेंडली हो वहाँ छोड़ा जाए, वो अच्छी बात है।
वैसे ही पशु पक्षी कम बचे हैं। संरक्षण करने का काम वन विभाग का है, उसको संरक्षण करना चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ कि उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, उसका ठीक से संरक्षण होना चाहिए। जैसे आरिफ देख रेख कर रहा था, उसको भी देख रेख करना चाहिए। आरिफ के देख रेख करने और उसके इलाज से किसी को इनकार नहीं है, ये बात सही है कि उसने किया और हम सब करते हैं। कई बार हम लोगों को भी अपने आसपास कभी मोर कभी कोई पक्षी मिल जाता है, उसकी देख रेख करते हैं, ठीक हो जाता है तो उसको उड़ा देते हैं, वो चला जाता है। और बीडी भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोर को दाना चुगा रहे थे, तो प्रधानमंत्री अपने घर में उसको मित्र नहीं बनाए थे। ऐसे मैं, मेरा गांव यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, मेरे छत पर मोर आ जाते हैं, हम लोग बच्चे भी छोटे छोटे उनको दाना चुगाते हैं, सहलाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं। तो तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पक्षी आते हैं और लोग उनसे मिलते जुलते, ऐसे बहुत सारे स्थान बहुत जगह हैं, अच्छा वातावरण होगा तो पक्षी आते हैं। यहाँ पर एक अधिवक्ता हैं, ये बताइए कि एक स्वच्छंदता, एक स्वाभाविक, एक प्रकृति पर प्रहार किया एक तरह से आरिफ ने, आप क्या मानते हैं? अरे हम पकड़े जी, मैं गिरीश तिवारी सिविल कोर्ट अयोध्या में क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। और इस संदर्भ में हमारा जो मानना है वो ये है कि प्रकृति पर प्रहार नहीं है, ये प्रकृति का ही संरक्षण है। जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये मेरा परिवेश में जो भी जो है प्राणी मात्र हैं, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, वो सब प्रकृति का ही तो हिस्सा हैं। आरिफ ने मारा नहीं है उस सारस को, आरिफ ने उसका जो है संरक्षण किया है, उस घायल पक्षी का इलाज किया है, और वो पक्षी उनके लव एफेक्शन में उनके पास रहना, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, वरना वो खाना पानी छोड़ देता। ऐसे में आरिफ उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाते। आरिफ ने उसको कैद नहीं किया, जो प्राणी मात्र का प्रथम वो होता है कि जिसको कहते हैं कि जीवन का उन्मुक्त रहना, उन्मुक्त रहने की जो बात है तो पंछियों में ज़्यादा है। अब आरिफ के यहाँ तो वो पंछी कैद तो था नहीं, यहाँ तो उन्मुक्त वातावरण में रह रहा था, उसकी सुरक्षा भी हो रही थी। अब वन विभाग वालों ने डर बस कि सरकार जान गई है, सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है राजनीति में भी और सामाजिक संदर्भों में भी, तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया ने अपना कमाल दिखाया, लोगों तक बात पहुँची, फ़ोन आ गया, वन विभाग वाले एक्टिव हो गए, बैठकर कुर्सियों पर बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वालों को लग गया कि सारस को जल्दी से वहाँ से हटा दिया जाए तो मेरी एक ड्यूटी रेखांकित हो जाएगी। ये काम किया उन्होंने डर बस, चूँकि तनखैया हैं, पैसे लेते हैं, तो उनको कुछ दिखाना था, किया उन्होंने। अब ऐसे स्थिति में आप देखिए, एक बात आई हमारे अनुज अधिवक्ता बी डी त्रिपाठी जी, जिनका अपना एक पॉलिटिकल व्यू है, उनका जो ये कहना है कि जो लोगों को अलग करने की बात है, उस पर मेरा मानना ये है, हलफनामा दाखिल करने की भी बात आई कि मुझसे बेहतर इनको जो है कौन संभाल सकता है इस पक्षी को, तो मैं समझ रहा था बिल्कुल सही है। और आप देखे होंगे श्री राम जन्मभूमि के मामले में, उस देव प्रतिमा को, भगवान राम की प्रतिमा को डीटी माना गया और उनके एक बाल सखा पक्षकार बन करके आए कि मैं उनके साथ खेला हूँ, रहा हूँ, उठा हूँ, बैठा हूँ, तो इसलिए मैं उनकी तरफ से पैरोकारी करूँगा। और ये तो अगर देखें वो राम आस्था के बिंदु हैं, मैं उनमें बड़ी गहरी आस्था रखता हूँ, लेकिन मानवता मेरा पहला धर्म है, इस वजह से मैं कहता हूँ सारस तो सजीव है, मूर्ति भी तमाम बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पूजन सेवन के बाद में वो प्राणवंत हो जाती है, तो सारस तो बिल्कुल सजीव है और उसकी ओर से हलफनामा दाखिल होना चाहिए। जंगल विभाग का जो अपना कानून है, वाइल्ड लाइफ का जो कानून है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो है जीव मात्र के लिए जो संवेदना का एक कानून है, दुनिया और प्रकृति को सहेजने और संवारने का कानून है, उसका संरक्षण संवर्धन होना ही चाहिए, उसका पोषण होना चाहिए, अन्यथा समाज तो यूं ही श्री सीताराम की जगह पर श्री राम कर दिया। अब इससे बड़ा हम उदाहरण क्या दें? आपके देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, मतलब एक राजनीतिक व्यक्तित्व तो बना दिया आपको तिवारी जी ने, आपका क्या कहना? आपके जो विवाह वो राजनीति से प्रेरित कहीं कहीं?
राजनीति से प्रेरित कोई बात है तो क्या आप उसको कार्यवाही से निकाल देंगे? राजनीति से प्रेरित ही पूरे जितना भी आचरण शासन सत्ता का चल रहा है सब राजनीति से प्रेरित है। एक अच्छे खासे ऐसे मुकदमे में जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान है, राजनीति से प्रेरित होकर अधिकतम सजा दे दी जा रही है। उसके बाद उसका तरीका ये है कि पहले वो भेजी जाएगी दरख्वास्त की कॉपी चुनाव आयोग, फिर चुनाव आयोग लोकसभा या विधानसभा सेक्रेटरी को भेजेगा कि साहब ये आया है, इस पर आप कीजिए। इन्होंने तुरंत डायरेक्ट कॉपी निकाली और एक संसद सदस्य को निष्कासित कर दिया। जब हर जगह राजनीतिकरण हो रहा है, अब मैं आपको वादा कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, ये हमारे साथी अधिवक्ता की ये ठीक है, ये मीठा बोलते हैं, ये सबको खुश करके चलते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं ऐसा। वास्तविकता ये है कि वो आरिफ था, कार्यवाही इसीलिए की गई है। हम पूरी तौर पे अपनी बात पे कायम हैं, जितने आरिफ लोग हैं उनके पीछे सरकार पड़ी हुई है। जी अच्छा, ये बताएं आपकी एक वन विभाग से एक अनुमति, जब आपको पालना ही था बाल्य पक्षी पालना, वन विभाग से प्रॉपर अनुमति लेनी चाहिए थी उनको, आपका क्या कहना है? मूलभूत प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो वन्य जीव अधिनियम जो है क्या उसमें सारस पालना प्रतिबंधित है कि नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। अगर सारस पालना प्रतिबंधित नहीं है, तोता पालना प्रतिबंधित नहीं है, चिड़िया पालना प्रतिबंधित नहीं है, तो कोई अपराध नहीं है। किसी घायल पक्षी को, किसी घायल पशु को अगर हमने कहीं से पाए और मानवता के नाते हमने उसको पाला पोसा और उसको अपने पास रखे हैं, तो कोई हमने अपराध नहीं किया है। मुद्दा ये हो गया कि जो बात आई अभी चर्चा में कि आरिफ शब्द आ गया, आरिफ ना होता, कोई हिंदू नाम होता, कोई और नाम होता, सवाल ही दूसरा है। उसके पीछे सवाल यह है कि इस सरकार के पास जो जो जन आधारित मुद्दे हैं, जो जन आधारित समस्याएं हैं, उसका उसके लिए इनके पास समय नहीं है, उसके पास उसके लिए इनके पास न कोई ठोस समाधान है, न कोई निराकरण है। साल भर तक हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, उनके लिए कीले गाड़ी गई, उनके लिए दीवालें उठाई गई, 750 किसान मर गए उसी ठंडक में, और उनसे कोई बगल में दिल्ली में बैठी सरकार वार्ता तक करने नहीं गई, और आखिर में मुंह काला करके वो काला कानून वापस लेना पड़ा। तो ये सारस की, और वो कप्पन आया था हाथरस में बलात्कार कांड की लड़की का, उसका कवरेज करने के लिए पत्रकार, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके खिलाफ FIR, उसको उठा के बंद कर दिया, 6 महीना साल भर वो बंद रहा। अब आप ये कौन सा डेमोक्रेसी चल रही है, ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? तो ये बड़ा असमंजस की स्थिति है, और देश बहुत ही उल्टे पैरों वापस जा रहा है। कहाँ तक आके रुकेगा भगवान जाने, रामलला ही हम लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि हम हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, दुआई है बस, धन्यवाद। एक चीज़ और बता दीजिए सर, और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जी, जी एक हाँ एक हैं इधर, थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहे थे, अधिवक्ता जी हैं, अधिवक्ता हैं सर आप? जी जी, हमारे बीच में एक अधिवक्ता हैं श्री अजय वर्मा जी। एक चीज़ ये बता दीजिए कि क्या यही काम तो विपक्ष ने भी किया, मतलब विपक्ष भी वहाँ पर गया, क्या मुस्लिम होने के नाते गया? एक किसी को जो आप ही एक हमारे अधिवक्ता साथी ने कहा, या दोनों लोगों ने कहा कि आरिफ होने के नाम से जो है हुआ, इसीलिए उसको कार्रवाई की गई, तो यही कार्य तो विपक्ष ने भी किया। देखिए बात यह है, मान लीजिए सारस पक्षी उनको घायल अवस्था में मिला, जी आरिफ भाई को घायल अवस्था में मिला, यदि उसी समय उसके इलाज के दौरान अगर मृत्यु हो गई होती तब तो वन विभाग वाले उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा देते। अब आज वो ठीक हो गया, और वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई कि जब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पहुँच गए, उसी समय से मुद्दा जो है ज़्यादा गर्मा गया। जी, जी, अगर जी, वो ना जाते तो शायद ये स्थिति ना पैदा होती। जी, जी, तो जो राज्य सरकार जो कर रही है भाई, गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आरिफ होने के नाते तो भाई कार्रवाई हो रही, अब अगर कोई वो होता दूसरा तो शायद कार्रवाई ना हो पाती, बस इतना हमको कहना है। अरे राहुल गांधी भी नहीं गए भाई? राहुल गांधी, देखिए पहली बात तो मैं बताऊँ कि एक बता दूं, अखिलेश यादव वहां किसी आरिफ से मिलने नहीं गए थे, अखिलेश यादव वहां सारस से मिलने गए थे। इतना सुंदर उसकी देखभाल, उसका वीडियो आता था, हर आदमी का मन कहेगा कि जाके वो एक बार देख ले। अब ये तो मीडिया कर्मी बता रहे हैं कि अखिलेश की वजह से हुआ, ये बात आपकी आधी सही है कि अखिलेश गए, कार्यवाही इसलिए हुई, लेकिन अखिलेश वहां आरिफ से नहीं सारस से मिलने गए थे, ये बात
नोट खोजी जानी चाहिए। इनका कहना सही है, बस एक लाइन। सभी का अपना मंतव्य होता है। ये बात तो सही है कि जब से अखिलेश यादव जी गए हैं तभी से, क्योंकि उसके पहले ही फेमस था, सब लोग जान रहे थे, धीरे धीरे सब जान रहे थे, लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पे गए हैं तब से आरिफ के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई। शायद उसी का खामियाजा आज वो भुगत रहा है, और मैं उसके बारे में क्या कहूँ, सरकार जी को उसको सम्मान देना चाहिए, उसके खिलाफ़ नोटिस नहीं जारी करनी चाहिए। आपके ऊपर तिवारी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, मीठा बोलते हैं खाली बाकी। हाँ, मेरा इतना कहना है कि मैं किसी से वायस होकर के कोई बात नहीं कहता, ना किसी पार्टी से। अब यूँ तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गुल्लू पाल रखा है, अब गुल्लू पाल रखा है तो आप गुल्लू जानते हैं क्या? गुल्लू को जानवर कह दूं तो मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन गुल्लू गुल्लू है, गुल्लू का संरक्षण संवर्धन सब हो रहा है, उन पर कोई मर मुकदमा नहीं होगा। और ये मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आरिफ पर मुकदमा किसी खास मकसद से हुआ है। जी जी जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पोलराइजेशन का हमेशा जो है, दोनों पार्टियां, मैं कह रहा हूं अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कह रहा हूं, ये पोलराइजेशन का कोई मौका नहीं जाने देना चाहते। जी जी, जैसे भी चाहे आरिफ के हिसाब से हो जाए, चाहे गुल्लू के हिसाब से हो जाए, चाहे सारस के हिसाब से हो जाए, चाहे रामदीन राम प्रसाद के नाम से हो जाए, ये सारा कुछ पोलराइजेशन का खेल करते रहते हैं। और भी मसले हैं, बेरोजगारी है, स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ये कहना है, सरकार तो बहुत अच्छी है, आपने बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया, मैं आपका जो है बहुत आभारी हूँ, हम लोगों की राय ले रहे हैं। मैं कहता हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को पहुँचाइए कि हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, अस्पतालों के लिए कॉरिडोर कब बनेगा कि निर्बाध रूप से लोग वहाँ जा कर के बिना किसी भेदभाव के इलाज करा सकें। मंदिरों के लिए तो कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए भी बनना चाहिए कि एम्बुलेंस नॉन स्टॉप लखनऊ जा सके, बनारस जा सके, दिल्ली जा सके। और मैं आप अपने इस चैनल के माध्यम से इस बात को जो है आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आरिफ और सारस की दोस्ती एक मुद्दा तो था ही, लेकिन यहाँ पर देखें अपनी अपने सबकी विचारधाराएं भी हैं। ये जितने मेरे अधिवक्ता हैं, जितने और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग कहीं कहीं किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, और आज यही हमारे यही हो भी रहा है समाज में। कहने का मतलब ना आरिफ से किसी को मतलब है, ना बहुत ज़्यादा सारस से किसी को मतलब है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी रोटी सेंकने का ये कार्य चल रहा है। धन्यवाद, देखते रहिए अयोध्या दर्पण।